इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप Samsung Galaxy A55 5G मोबाइल में इस तरीके से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। सेटिंग को ओपन करते ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन। आपको लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्क्रीन लॉक टाइप का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको क्या करना है, फिंगरप्रिंट को इनेबल कर देना है। जैसे आप फिंगर को इनेबल करेंगे तो कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे उसके बाद पिन पासवर्ड पैटर्न किसी को भी आप रख सकते हो, यहाँ पर मैं पैटर्न को रखता हूँ और एक पैटर्न आपको डालना होगा। कंटिन्यू करेंगे, फिर से पैटर्न डालिए और कन्फर्म कर दीजिए। इतना करने के बाद गई यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको ये बोल रहा है कि अपने जो डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट दिया गया है उसको आप स्कैन करवा लीजिए। तो आपको क्या करना है, अपने डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट को स्कैन करवा लेना। तो फिंगर स्कैन होने के बाद डन का ऑप्शन आएगा, डन पे क्लिक करना है एंड डन पे क्लिक करने के बाद गई यहाँ पर तो आपका जो है डन कर देना है। उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है, अब आप अपने फिंगर से ही ओपन कर पाओगे।